Hello everyone, welcome once again. Today we will translate a beautiful poem, Two Blossoms, by Robert Herrick. Let's begin. Fair pleasures of a fruitful tree, why do you fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while to blush and gently smile and go at last. देखो इसमें पॉइंट है जो वो इस फ्रूटफुल ट्री के जो फूल हैं जो ब्लूजम है जिनसे आगे फल बनता है उनको कह रहा है कि आप इस फ्रूटफुल ट्री के एक ऐसे प्लेज मीन प्रॉमिस हो ऐसे प्रॉमिस हो जो आगे जाके जरूर पूरे होंगे मीन्स जो फूल आ गया उससे जरूर फल बनेंगे. वाई डू यू फॉल सो फास्ट योर डेट इज नॉट सो फास्ट. पर वो कहते हैं कि पर तुम इतनी जल्दी गिर क्यों जाते हो जबकि तुम तो अभी अभी आए हो और तभी मुरझा जाते हो. योर डेट इज नॉट सो फास्ट. तुम्हारा टाइम पीरियड है वो ज्यादा लंबा नहीं है. बट यू मे स्टे येट हियर व्हाइल टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल एंड गो एट लास्ट. तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ रुक सकते हो कुछ देर रुकते हो ब्लश करते हो खिलते हो पूरी तरह ब्लूम करते हो एंड जेंटली स्माइल. और जब फूल खिल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहा हो हंस रहा हो. तो कहते हैं तुम ब्लश करते हो और जेंटली स्माइल करते हो एंड गो एट लास्ट और अंत में चले जाते हो. देखो इसमें पॉइंट वो फूल के बारे में सारा कुछ कह रहा है कि वो फूल खिलता है जल्दी मुरझा जाता है और अंत में यहां से चला जाता है. अब सेकंड स्टैंजा देखो. व्हाट वर ही वांट टू बी एन आवर और हाफ्स डिलाइट एंड सो टू विद गुड नाइट. वो कहते हैं कि तुम किस लिए पैदा हुए. वो उस फूल से पूछता है पॉइंट तुम किस लिए पैदा हुए हो क्या सिर्फ एक घंटा या आधे घंटे की खुशी के लिए. एंड सो टू बिड गुड नाइट और बाद में तुम अलविदा कह जाते हो मीन्स कुछ देर के लिए तुम आते हो और बाद में चले जाते हो मुरझा जाते हो. इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट यू फोर्थ मेनली टू शो योर वर्थ एंड लॉस्ट यू क्वाइट. कहते कि ये नेचर है जो तुम्हें लेके आई है मीन्स प्रकृति ने तुम्हें पैदा किया है मेनली टू शो योर वर्थ सिर्फ तुम्हारी वर्थ दिखाने के लिए तुम्हारी काबिलियत दिखाने के लिए मीन्स अगर तुम आए हो तभी फल आएगा. तो नेचर ने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत दिखाने के लिए पैदा किया है एंड लॉस्ट यू काइट तो बाद में तुम लॉस्ट मीन्स खत्म हो जाते हो और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है. तो इस स्टैंजा में पोएट उन फूलों से क्वेश्चन कर रहा है कि तुम किस लिए आए हो और बताता है कि नेचर हमें लेके आई है ताकि तुम्हारी बर्थ पता लग सके तुम्हारी काबिलियत पता लग सके कि तुम हो तभी तो ये आगे फल है. ओके देखो दोनों स्टैंजा में पोएट सिर्फ फूलों के बारे में बता रहा है. जो थर्ड स्टैंजा आएगा इसमें इसका मेन थीम होगा इस पोएम का मेन थीम पोएट कहना क्या चाहता है. अब इस लास्ट वाले स्टैंजा को ध्यान से देखो. But your lovely leaves where we may read how soon things have their end, though never so brave, and after they have shown their pride, like you awhile, they glide into the grave. एंड मैंने बताया है कि किस तरह से मैन एक नश्वर है जो जिसको इस लाइफ में अपना काम पूरा करके यहाँ से जाना है. तो वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं what your lovely leaves where we may read how soon things have their end. कहते तुम ऐसी लवली लीव्स हो. लवली लीव्स को बताया है जो हमारी लाइफ की बुक है उसके जो पन्ने हैं उनके साथ कंपेयर किया है. हमारी लाइफ की बुक में जो पन्ने हैं वेयर वी मे रीड जहां हम पढ़ सकते हैं हाउ सून थिंग्स एट देयर एंड कि चीजों का कितनी जल्दी अंत हो जाता है. तुम हमारी लाइफ की किताब के वो सुंदर पन्ने हो जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे चीजों का कितनी जल्दी अंत होता है. डोंट एवर सो ब्रेव After they have shown their pride, like you a while, they glide into the grave. लेकिन वो चीजें अपनी काबिलियत दिखाने के बाद तुम्हारी तरह like you a while तुम्हारी तरह अंत में ग्रेव में into the grave मतलब उनकी डेथ हो जाती है उनकी मौत हो जाती है. इसलिए इसमें जो पॉइंट है वो ह्यूमन लाइफ और ब्लूजम में कंपेरिजन करके बता रहा है कि कोई भी चीज यहाँ पे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आती है हमेशा के लिए नहीं होती. इस पॉइंट में पोएट ने मेन चीज यही दिखाई है कि मैन इज मॉर्टल नो डाउट ही हैज टू फेस डेथ.
इंसान नश्वर है और यह इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे मौत को फेस करना पड़ता है, बट ही शुड एंजॉय हिज लाइफ एज पॉसिबल एज ही कैन, पर उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए जितनी भी वह कर सकता है, क्योंकि जाना तो सबको है, पर यहाँ रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अच्छे काम करो ताकि आप हमेशा के लिए याद रखे जाओ। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।